बड़ोदरा से सासनगीर हम गांधीनगर होके जाएंगे, क्यों वो आगे बताएंगे, पर इस रूट का टोटल डिस्टेंस होगा 520 किलोमीटर और टोटल टाइम लगेगा 10.5 घंटे का। हम पहले वडोदरा से गांधीनगर जाएंगे, गांधीनगर से राजकोट जाएंगे, राजकोट बाईपास होके जाएंगे जूनागढ़, और जूनागढ़ से मेंदरडा वाले रास्ते से पहुँचेंगे सासनगीर। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम जा रहे हैं सासनगीर। आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, हम मॉर्निंग में जल्दी निकल गए थे, तब अंधेरा था, तो अभी मैं वीडियो का स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी हम हैं गांधीनगर, क्योंकि यहाँ से भी हमको एक कपल को पिक करना था, वो भी हमारे साथ आ रहा है। तो चलिए आगे का अपडेट रास्ते में देंगे। अभी 9:30 बजे का टाइम हुआ है और हम निकल गए हैं, और अभी अहमदाबाद क्रॉस करेंगे और सीधा निकल जाएंगे राजकोट हाईवे पे। अभी मंडे है और मॉर्निंग में 9:30 बजे का टाइम है, तो रश और है, बहुत ट्रैफिक है। अभी जिस जगह से हम गुजर रहे हैं उसको बोलते हैं गांधी जी का चश्मा, क्योंकि यहाँ से ऊपर से व्यू ऐसा आता है। ये अभी अहमदाबाद का सबसे बड़ा मॉल है, मॉल का नाम है पैलेडियम मॉल। निकलने के बाद यह हमारा फर्स्ट ब्रेक है, ये ऑनेस पे रुके हैं, यहाँ पे चाय नाश्ता करेंगे फिर आगे जाएंगे। चाय नाश्ता हो गया है और अभी हम निकलेंगे। एक चीज अच्छी है कि ये अभी एटमॉस्फेयर एकदम प्लेजेंट है, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि गर्मी लगेगी, पर अभी गर्मी लग नहीं रही है, मतलब एटमॉस्फेयर ठंडा ठंडा है, तो मज़ा आ रहा है। अभी हम है धोड़का से नज़दीक है, और यहाँ से गूगल मैप के हिसाब से ETA दिखा रहा है 5:00 बजे तक का, पर हमको पहुँचते पहुँचते 6 बज जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। तो ये मंडे है इसलिए, या फिर क्या रीजन है वो पता नहीं, पर रास्ते एकदम खाली खाली मिल रहे हैं। बट मेन प्रॉब्लम डाइवर्जन का है। हम जनवरी में आए थे 3 महीने पहले, तब जहाँ पे जो डाइवर्जन था, जो काम जहाँ पे चल रहा था, आफ्टर 3 मंथ भी सिचुएशन वैसे ही है। तो बीच बीच में डाइवर्जन की वजह से गाड़ी इतनी स्पीड में चल नहीं पाती, बाकी अभी ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है।
दर्शन होटल है, ये फेवरेट प्लेस है लग्जरी और बस वालों के लिए। अभी यहाँ पे डीजल लेने के लिए खड़े हैं, टैंक फुल करा रहे हैं। आज मेरी कार लेके नहीं आए, गांधीनगर से जिनके साथ हम आ रहे हैं ये उनकी कार है, मेरी एस्पायर है और ये फोर्ड फिगो है। अभी 2 बजे हैं और लास्ट हाफ एन आवर से एक अच्छी होटल ढूंढ रहे हैं खाने के लिए, बड़ मिल नहीं रही है। तो अभी यहाँ पे वॉशरूम के लिए कार खड़ी रखी थी, अभी आगे देखेंगे कोई अच्छी होटल मिलेगी तो लंच करेंगे। अभी फाइनली एक अच्छी होटल मिली है, होटल फोडियार, अभी यहाँ पे लंच करेंगे, लंच करके फिर आगे जाएंगे। अभी हम निकल गए खाना खा के, ये होटल ढूंढने में टाइम लगा पर यहाँ का फूड का क्वालिटी, फूड का प्राइस और सर्विस सब चीज़ एकदम लाजवाब थी। ये रिकमेंडेड होटल है, गोंडल से वीरपुर के रास्ते में बीच में ही आता है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो, खा सकते हो, मज़ा आ गया हमको तो। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जूनागढ़ सिटी और हमारा जो होटल बुक है वो 54 किलोमीटर ही दूर है, बट टाइम दिखा रहा है 1.5 घंटा, तो मेरे ख्याल से आगे जाके रास्ता जंगल के बीच में से जाता होगा, उस वजह से इतना टाइम दिखा रहा है, सिर्फ 54 किलोमीटर कवर करने के लिए 1.5 घंटा। देखते हैं अभी आगे रास्ते कैसे मिलते हैं। अभी हम ये मेंदरडा वाले रास्ते से सासनगीर जा रहे हैं। अगर आप गूगल मैप में गिर नेशनल पार्क ऐसा कुछ डालोगे तो आपको वो अलग लोकेशन दिखाएगा, तो वो भी गिर नेशनल पार्क भी एक अलग जगह है, पर आपको ये सफारी करने के लिए मैप में डालना है सासनगीर, और जूनागढ़ से मेंदरडा होके सासनगीर वाला जो अभी हम जा रहे हैं वो रास्ता है, वो जूनागढ़ से सिर्फ 55 किलोमीटर ही है और इस रास्ते से ही आपको सासनगीर जाना है।
अभी हम एंटर हो रहे हैं शासन गिर के अंदर, और ये मेन गेट है, ऊपर बैठा है लायन। लास्ट 15-20 मिनट से इतने अच्छे अच्छे रास्ते आ रहे हैं। वैसे भी मुझे जंगल बहुत पसंद है, और ये रास्ता जंगल के बीच में से जा रहा है तो बहुत मज़ा आ रहा है। कल हम करने वाले हैं जंगल सफारी, उसका मज़ा कल आएगा, बट अभी जो ये रास्तों का मज़ा आ रहा है वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल है। अभी हम जस्ट पहुंचे हमारे होटल पे, और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे यह पार्किंग एरिया है कार रखने के लिए, ये चीज अच्छी लगी मेरे को। मैं पहले रूम टूर दे देता हूँ। ये स्टार्टिंग में वॉशरूम है, और ये छोटा सा अभी 5:30 बजे है, और हमने यहाँ पे चेकिंग कर लिया है। अभी आज का और कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ डिनर करने के लिए जाएंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि कल मॉर्निंग में हमारा मेन सफारी का स्लॉट है, 6 से 9 का स्लॉट है। 5:30 बजे हमको वहाँ पे रिपोर्ट करना है, तो उसका एक्सपीरियंस हमारा सफारी का कैसा रहा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।